नमस्कार बीसीएन न्यूज की खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है शहर के नामचीन पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अविनाश गावंडे, जो कि चिकित्सा अधीक्षक के तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कार्यरत भी है और इन्हें हर कोई जानता है, क्योंकि इनकी जो जिस तरह से इनकी सेवा है मरीजों के प्रति, वो उनका काम जो है यहाँ पे उनकी पहचान बन चुका है। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से अभी मौसम है, मौसम में बदलाव होते हैं और बच्चों पे इस पे कैसे परिणाम होते हैं, इसके बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। मेरा पहला सवाल आपसे है कि न्यू बॉर्न बेबी, आप जो है न्यू बॉर्न बेबी स्पेशलिस्ट, केयर स्पेशलिस्ट भी हो, तो हम देखते हैं कि ठंड का मौसम है और अभी जो है मौसम में कई तरह के बदलाव हमें दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे इसमें जो जन्मे हुए बच्चे हैं उनकी खास तौर पर किस तरह से केयर की जाए, क्या बताओगे? वैसे आपने देखा है अभी तक, और अब सब पूरे दुनिया ने देखा है कि जैसे ही बदलाव आता है एनवायरनमेंट में, वैसे दो लोग ज्यादा अफेक्ट होते हैं, एक बच्चे और एक बूढ़े लोग, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी जो है उतनी सेटअप हुई नहीं रहती। तो हमारा अभी आज का विषय बच्चों के बारे में, तो ये सीजन में जैसा बदलाव आ रहा है, पहले ठंडी थी, फिर बीच में थोड़ी गर्मी शुरू हुई और कल रात से ठंडी फिर से हुई, तो इसमें कुछ चीज बीमारियां ज्यादा बढ़ती है बच्चों में और बूढ़े लोगों में। जैसे कि जिनको अस्थमा है, वो अस्थमा का अटैक उनका बढ़ने के चांसेस है, उनको नहीं है जिनको खांसी है उसको अस्थमा आ सकता है या खांसी हो सकती, वायरल निमोनिया हो सकता है। अभी इसमें कुछ वायरल केसेस हो गए, इसमें सीजन के बदलाव के कारण एलर्जी की बीमारी भी ज्यादा हो रही है, ये बच्चों में ज्यादातर अभी आजकल के जो पेशेंट है उसमें दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि निमोनिया हो या अस्थमा, ये बच्चों में हमेशा अक्सर देखा जा सकता है, तो इस पर किस तरह से इसे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए और मेडिकल जो है वहाँ पे किस तरह से यहाँ इलाज होता है और अभी फिलहाल की स्थिति में कितने पेशेंट यहाँ पे मौजूद है? वैसा ये सीजन जैसे चेंज होता है, सीजन तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपन बच्चों को या बूढ़े लोगों को उससे अपन संभाल सकते हैं। जैसे अभी ठंडी सीजन है, तो ठंडी के टाइम बच्चों को बाहर घुमाना अवॉइड करना चाहिए। यदि कहीं जाना है तो प्रॉपर जो उलन के क्लोथ्स है जिससे गर्मी रहे, वो कान उसके बंद रहना चाहिए, उसके लिए भी कपड़ा ढक के, कैप आती बहुत सारे, या फिर उलन की कैप होंगी तो वो यूज़ करना चाहिए। ऐसे इसमें जो पॉसिबल है उनको हॉट फूड ज़्यादा देना चाहिए बच्चों को, जितना हॉट सूप, गर्म गर्म चीज़ें ज़्यादा देना चाहिए, ताकि ठंडी की चीज़ें थोड़े से कम देना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को भीड़ की जगह पे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। वैसे तो कोरोना के टाइम सब कुछ अपने को सीख मिली है कि जितना भी ऐसे सीजन में लोगों के पास कम जाते हैं तो कम से कम 3 मीटर की दूरी रहना चाहिए, और दूरी रहने के कारण ऐसे जो एनवायरनमेंट थ्रू होने वाली बीमारी है, कोरोना है, स्वाइन फ्लू है, सीजनल फ्लू है, जो अभी सीजन में जो निमोनिया है वो होने के चांसेस कम रहते हैं, तो बच्चों को बाकी लोगों से दूर रहना चाहिए। ताकि ये इसके साथ ही साथ आप देखते हैं, स्कूल नहीं रहे तो इन्फेक्शन रेट कम रहता है, पेशेंट कम रहते हैं, स्कूल जैसे चालू हो जाते हैं तो इन्फेक्शन रेट बढ़ता है। रीज़न यही है, एक बच्चा दूसरे के बच्चे के पास जाता है और उसके कारण खांसी उसको हो सकती है। तो ऐसे इसमें बच्चों को एटिकेट सिखाना जरूरी है कि बच्चे इतने अच्छे हैं, मैं तो बोलता हूँ बच्चे सबसे अच्छे हैं, लेकिन अपन उसके आप रोज़ रोज़ वही चीज़ उसके इसमें हैमर करेंगे तो बच्चा समझ में आता है। कितने बच्चे हम देखते हैं, छोटा बच्चा भी खासतौर तो अपने मुंह पे हाथ या रुमाल लगता है, यदि अपने पेरेंट ने, अपने टीचर ने यदि बच्चों को सिखाया है कि खांसने के क्या एटिकेट्स है, खांसते टाइम खुद ने क्या करना चाहिए या सामने वाला खांसता है तो अपने कैसा अवॉइड करना चाहिए, ये एक सिखाना जरूरी है। उसका साथ ही साथ हैंड हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब बीमारियाँ जो होती है एक तो हवा से होती है या हैंड से होती है। हैंड हाइजीन मीन्स बच्चों ने अपना हाथ मुंह और नाक के पास कम से कम लेके जाना चाहिए, क्योंकि यही है जहाँ से एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है और बीमारी हो सकती है। तो बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि जहाँ पे मल्टीपल हैंड लगते हैं, जैसे स्कूल है, गार्डन है, मॉल है, हॉस्पिटल है, कितना भी क्लीन रहे, यहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं, इसके कारण वहाँ इन्फेक्शन रहने के ज़्यादा चांस रहता है, और वहाँ पे रेलिंग को हाथ लगता है तो वही हाथ अपने मुँह के पास जाता है तो उसको इन्फेक्शन होने का चांसेस है। यदि बच्चों को ये सिखाया कि हाथ मुँह के पास कम से कम जाना चाहिए, और यदि जाते हैं तो उसके पहले हाथ कैसे धोना, हैंड वॉशिंग कैसे करना चाहिए, सैनिटाइजर का इतना भी ये नहीं है, सैनिटाइजर है तो वो भी अच्छा है, लेकिन हैंड वॉशिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी ये बच्चों की बात बताई, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उन्हें कई माताएं हम देखते हैं कि
ब्रेस्ट फीडिंग करने से अधिकतर कतराती है या नहीं करती है, तो इससे बच्चों में किसी तरह की मतलब समस्याएं देखी जा सकती है या दुष्परिणाम भी देखे जा सकते हैं इसमें? ये तो हम अभी सब कॉलेजेस में पढ़ाती भी है, लेकिन हम अभी 25-26 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस अनुभव भी है। जो जो बच्चों को मम्मी का दूध मिलता है बचपन से, उसको 100% बीमारी होने के चांसेस नहीं रहते। तो ऐसे जो माता है उन्होंने 100% अपना दूध देना चाहिए 6 महीने तक। और यदि किसी को दूध का प्रॉब्लम है, दूध कम आता है, तो आप नज़दीक जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी दवाखाने में जो डॉक्टर रहते हैं, उससे राह लेना चाहिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ रहना चाहिए, प्रॉपर स्लीप रहना चाहिए, प्रॉपर डाइट रहना चाहिए, और ज़रूरत रहे तो डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। ये रहा तो ऐसा लगता ही नहीं कि किसी को दूध कम होने के चांस है। तो दूध देना हर माँ ने अपने बच्चे के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट है, एक उससे इम्यूनिटी और प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि जिस तरह से आपने अभी बताया कि खान पान की चीज़ हो या जो भी हम जहाँ जाते हैं, जहाँ पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ किस तरह से हमने बिहेव करना चाहिए, लेकिन जंक फूड जो है ये भी बच्चों में अधिक लोकप्रिय है। मतलब बच्चे जो है जंक फूड के लिए भी बहुत मतलब उन्हें बहुत पसंद होता है, तो किस तरह से मतलब माता पिताओं ने बच्चों पे रोक लगानी चाहिए जंक फूड के लिए, या उससे क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं या हो सकते हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत बच्चों को जो है बचपन में ही डायबिटीज देखने मिलता है, तो क्या ये जंक फूड का भी परिणाम है? ये तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि जंक फूड के कारण राइट फ्रॉम बर्थ से नहीं तो बड़े होने तक बहुत सारी बीमारी है, जैसे उसका मोटापा बढ़ना, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होना, मोटापे के कारण डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अभी आजकल छोटे बच्चे में भी हो रहा है, उसका कारण एक जंक फूड भी है। अब जंक फूड के कारण इतना ही नहीं, इंडियन बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन, बच्चे जो पढ़ाई में जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन कम हो रहा है, उसका भी एक रीज़न जंक फूड है। इसलिए जंक फूड कम करने से उसका शारीरिक तो है, लेकिन उसका मानसिक आरोग्य भी अच्छा रहेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा रहेगा, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अच्छा रहेगा, उसका आईक्यू स्टेटस भी अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरा एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जंक फूड यदि अभी ये पूरे दुनिया में आज बच्चे एक्सपोज होते हैं तो हर चीज़ को होते हैं, ऐसे ही इसमें जंक फूड से दूर रखना ये भी एक डिफ़िकल्ट है। तो हो सके तो बच्चों को एजुकेशन दे के जंक फूड जितना बंद कर सके, जितना नहीं कर सके उतना अच्छा है, या देना ही पड़े तो उसका एक टाइम लिमिट बनाना चाहिए, एक डिसिप्लिन बनाना चाहिए, बच्चों के लिए कंडीशन देना चाहिए, आप ये करने के बाद आपको ये मिलेगा महीने में एक बार। तो ऐसा रहा तो बच्चा भी उसके लिए काम करेगा और वो जंक फूड का जो अपना फ्रीक्वेंसी वो भी कम हो सकती है। बिल्कुल, आपने आपकी सेवा में जो है मतलब कई अनुभव लिए होंगे, कई मरीज आपके पास मतलब छोटे बच्चे आए होंगे जो क्रिटिकल कंडीशन में आपके पास आए होंगे, मेडिकल में आए होंगे, तो किस तरह से वहाँ ट्रीटमेंट होती है, किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता है, क्या बताओगे? वो तो एक अच्छा अनुभव है, एक केस हमारे यहाँ आई थी, उसको जैसे एक प्रोसेशन शुरू है ऐसे, इसमें जनरेटर रहता है, जनरेटर में उसका पूरे बाल, उसके साथ ये पूरी चमड़ी और कान भी निकल गया था। वो पेशेंट हमारे अच्छा हुआ है, वो एक सबसे बड़ी है, बाहर उसके लिए बहुत खर्चा रहता लेकिन उसको विदाउट खर्चा वो पेशेंट अच्छा हुआ, आज डिस्चार्ज है, उसका सब कुछ अच्छा है। दूसरी एक केस है, एक वेस्ट बंगाल से केस आई थी, उसके इसमें पूरे मैगट्स थे, वो यहाँ पे आई, उसका फिर यहाँ पे हमने इलाज किया, उसका 4 महीने इलाज चला, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करते टाइम वो करने नहीं देती कि उसका कोई रिलेटिव नहीं था, तो हमने उसका कंसेंट दिया, उसका सर्जरी किया, उसके बाद में उसको वेस्ट बंगाल में रिलेटिव से डिस्कस किया तो लेकिन कोई रिलेटिव लेने के लिए तैयार नहीं थे, फिर मदर टेरेसा जो वृद्धाश्रम है वहाँ पे उसको रखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस है, जैसा ये स्नेक बाइट के केसेस है, स्नेक बाइट के केसेस में अभी मॉर्टेलिटी कम है, क्योंकि जो स्नेक बाइट का इंजेक्शन रहता है वो डायरेक्ट पेशेंट जैसा आता है उसको वैसा मिलता है। ऐसे कुछ चेंजेस किए उसके कारण अभी पेशेंट का जो अच्छे होने की कंडीशन वो बढ़ी है। आप लोगों को हमको एक समझाना है कि मेडिकल कॉलेज में आप जितने भी शायद आपके यहाँ के भी लोग हैं, 600-700 ग्राम के बच्चे, टीए बच्चे, ट्रिपलेट बच्चे अच्छे हुए, इतने सीरियस बच्चे अच्छे हुए, लेकिन जो पहले से हमारे यहाँ था वो बच्चे अच्छा करना हमारे लिए बहुत आसान जाता है। हमारे प्रति किसी की विश्वास नहीं होगा तो विश्वास के साथ मैं बता सकता हूँ, इतने सारे एग्जाम्पल है, तो बच्चे, बूढ़े लोग, जितने सीरियस बच्चे हमारे पास अच्छे हुए। लेकिन हमारे यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, पेशेंट हमारे पास आता है बाहर से, प्राइवेट हॉस्पिटल से, वो सीरियस होकर हमारे पास आता है, फिर लोगों को लगता है वो ठीक नहीं होता। हमारा ये कि इसके ऊपर आपके माध्यम से लोगों की हमारे पूरे विश्वास आना चाहिए, हमारा ऑफिस, हमारा प्रशासन, हमारे अधिष्ठाता डीन सर वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और उसके कारण हमारे कॉलेज में अभी आज आप देखेंगे तो बहुत सारी सुविधाएं हो रही है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि बच्चों में कैंसर भी पाया जा रहा है, जिस तरह से खान पान की चीज़ें हो
या जो भी अभी जो जिस तरह का एनवायरनमेंट हो उसे देखते हुए, तो क्या बताना चाहोगे कि किस तरह उन्होंने प्रिकॉशंस लेनी चाहिए बच्चों के प्रति, और मेडिकल में क्या सुविधा उपलब्ध है? बच्चों का अभी बच्चों में भी कैंसर बढ़ रहा है, तो कैंसर कम करना चाहिए। इसलिए कैंसर के बहुत सारे, इट इज मल्टी फैक्टरली, एक फैक्टर नहीं उसके लिए, राइट फ्रॉम एनवायरनमेंट से लेके सब कुछ फैक्टर है। तो बच्चों को बचपन से जो जिसमें प्रिजर्वेटिव है, जिसमें आप बराबर मात्रा में इंसेक्टिसाइड रहता है, वो चीज़ें कैसे बच्चों में कम जाए, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सो देखते हैं कि बच्चों को कहीं होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, तो एक प्लेट लेते हैं, वो प्लेट लेने के बाद थोड़ा सा खराब हो कि दूसरी प्लेट लेते हैं। लेकिन कई रेस्टोरेंट अच्छे रहते हैं, कई रेस्टोरेंट में प्लेट में वैसे सोप लगती है, तो एक प्लेट की सोप जाती है वैसे के उसके साथ साथ दूसरे प्लेट की भी सोप जाती है। तो ऐसे चीज़ें हैं, इंसेक्टिसाइड जिसमें है उसे, सब्जियाँ है वो चीज़ें यदि, फ्रूट्स है, तो ऐसे चीज़ें यदि अवॉइड होती है तो बच्चे का जो कैंसर है उसका प्रमाण कम कर सकते। इसलिए जो बच्चों को पहले से आरोग्यदायी खाना कैसे खाना चाहिए यदि पहले दिन से बच्चों को समझाए, तो बच्चे उससे प्रवृत्त होके बच्चे का कैंसर का प्रमाण कम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों में आजकल हार्ट अटैक भी देखा जा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसका रीजन एक तो बच्चे का आजकल वेट ओबेसिटी हो रही है, एक रीजन है। बच्चों में कुछ बीमारियां जो बड़ों की है, बीपी है, डायबिटीज, वो बच्चों में आ रही है, वो एक दूसरा रीजन है। तीसरा, बच्चों का जो आउटडोर गेम्स है वो कम है, आउटडोर गेम्स बढ़ाना जरूरी है। आजकल बच्चे के क्लासेस इतने रहते हैं, शायद ही कोई एक आधा VIP आदमी बिजी है, उससे ज़्यादा बच्चे बिजी है। बुखार रहा तो भी बच्चे का एक सुबह का एक क्लास, दोपहर में स्कूल, शाम का एक क्लास, रात में एक क्लास, ऐसे इसमें बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं कर पाते, और उसके कारण बच्चे का जो शारीरिक विकास होना चाहिए, जो जो क्रॉनिक बीमारी है, जो हार्ट जैसी बीमारी है, वो नहीं होना चाहिए, इसलिए उसका नुकसान होता है। तो बच्चे को लिमिटेड एक डिसिप्लिन लाइफ कैसा जीना चाहिए वो समझाना जरूरी है। स्कूल का टाइम स्कूल, खेलने का टाइम बराबर खेलने का, पढ़ाई करने की, ये जो यदि मम्मी और अपने पेरेंट्स ने, पापा ने भी और टीचर ने भी, यदि बच्चे के पर्सनैलिटी में ये सब चीज़ें करते हैं, उसके पर्सनैलिटी पहले से ऐसी डेवलप करते हैं, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि मेडिकल में महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर से मरीज आते हैं जिनमें छोटे बच्चे भी होते हैं, और अधिकतर गरीब तबके के लोग यहाँ आते हैं, तो इनके लिए कौन सी फैसिलिटी खासकर बच्चों के लिए उपलब्ध है? बच्चों के लिए तो हाँ, यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज में, नागपुर में तो है, मेडिकल कॉलेज में भी काफ़ी फैसिलिटी। अभी बच्चे में जैसे डिलीवरी होती है, कम दिन के बच्चे हैं, कम वजन के बच्चे हैं, और या उनको जन्म से कोई बीमारियाँ है, या फिर जन्म होने के बाद उसको कुछ इन्फेक्शन है, ब्रेन में इन्फेक्शन है, ऐसे बच्चे के लिए एक वार्ड है, उसके लिए वेंटिलेटर है हमारे पास। अभी हमारे डीन डॉक्टर राज गजबी सर, इन्होंने सिर्फ यहाँ जो डिलीवरी थी उनके लिए नहीं, जो बाहर डिलीवरी होती है, जो गरीब है उनको यहाँ के ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसके लिए भी सुविधा किया। ये पहले नहीं थी कि उसके लिए बाहर कहीं पेशेंट डिलीवर होता है, उसको प्रॉब्लम हो तो मेडिकल में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नागपुर के बाहर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ से भी पेशेंट आते हैं, बिल्कुल, उनके लिए भी एक बच्चों के लिए वार्ड अभी तैयार है। आपने जैसे अभी बताया कि ब्रेन से जुड़े या जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें अधिकतर देखा जाता है ब्रेन से या हार्ट से जुड़ी समस्या होती है, तो किस तरह से आपने अभी तक, मतलब आपका अनुभव काफी गहरा रहा है मेडिकल में, तो कौन से ऐसी एक आधी सर्जरी होगी जो आपको ऐसा लगता हो ये मेरे मतलब करियर में बहुत क्रिटिकल थी, जो हमने बहुत ही सक्सेसफुली उसे हैंडल किया है? हमारे वैसे बहुत सारे, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, नागपुर का तो है ही, तो ऐसे में इतने सारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, इसके कारण इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसके अनगिनत हमारे पास उसके है। उसमें से कुछ है कि जो खाने की नली रहती है और सांस की नली रहती है, दोनों ज्वाइंट रहती है, तो वो खाना जैसा बच्चा खाता है वो सांस नली के थ्रू लंग में जाता है, तो वो उसके ऑपरेशन हो चुके हैं। कि इसमें जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट फूल जाता है, तो उसके ऑपरेशन हुए हैं। कुछ बच्चों में एक जहाँ से अपनी लैट्रिन निकलती है, एनस पार्ट नहीं है, तो वो डेवलप करने का काम हुआ है। ऐसे कंजेनाइटल बहुत सारे प्रॉब्लम, उसकी अनगिनत लिस्ट हमारे पास। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि मोबाइल भी एक कारण है बच्चों के स्वास्थ्य के खराबी का, तो क्या एक संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को आप कि मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखें और मोबाइल कितना हानिकारक है अपने बच्चों के लिए? मोबाइल एक सबसे चीज़ ऐसी है कि अभी कोई उससे दूर नहीं रह सकता, लेकिन
मोबाइल से उसके इफेक्ट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं तो पूरे फैमिली के लिए इफेक्ट है। तो पहले से बच्चों के दिमाग में मोबाइल के प्रति कैसी घृणा निर्माण हो वो समझाना जरूरी है। मोबाइल यूज करें करना चाहिए लेकिन जितना उसका काम है उतना ही होना चाहिए। इसलिए हर घर में मैं बच्चों के दिमाग में डालने के लिए कुछ करना जरूरी, जैसे कि आप घर में कर सकते हैं, एक आधा रूम है उसको नो मोबाइल जोन कर दो। जैसे घर में मंदिर है जहाँ पूजा करते हैं लोग, तो वैसा एक रूम है कि जहाँ नो मोबाइल नहीं लेके जा सकते। तो बच्चे के दिमाग में बचपन से रहेगा कि मोबाइल कुछ अच्छा नहीं है, तो बच्चा उसके बारे में जितना जरूरत है उतना यूज़ करेंगे, अननेसेसरी यूज़ करना उसके पास में नहीं रहेगा। दूसरा मैं तो इसके ज़्यादा भी कर, जैसा अपने शू रैक रहती वैसा मोबाइल रैक भी घर पर रख सकते, जैसा बाहर से आता है तो मोबाइल रैक में रख दो, कोई जरूरत नहीं घर में मोबाइल कैरी करने की। लेकिन आजकल मैं हमारे पास पेशेंट आते हैं रिपोर्ट लेके, तो वो मोबाइल पर रिपोर्ट बताते हैं, मैं तो उनको बोलता हूँ कि रिपोर्ट मोबाइल पर नहीं देंगे। जैसे मम्मी पापा पेरेंट टीचर ये लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, वैसे बच्चों के इसमें मोबाइल करने की इच्छा होती है। तो पहला तो पेरेंट ने यूज़ कैसे काम करना वो सिखाने के लिए खुद ने काम करना जरूरी है, और ऐसा करते हैं तो मोबाइल के प्रति बच्चों के जो एजुकेशन है वो अच्छा कर सकेंगे। बिल्कुल, हम अभी देख रहे हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं जो 1, 2 या 3 महीने के भी होते हैं, उन्हें अगर मोबाइल दिखाया जाए तो वो चुप हो जाते हैं रोते हुए। तो ये हैबिट हम ही उन्हें लगा रहे हैं, ऐसा मतलब पेरेंट्स की ओर से ही हैबिट उन्हें लगाई जा रही है। तो इससे जो छोटे बच्चे हैं जो 1-2 महीने के, इनमें क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं इतने छोटे बच्चों में, क्योंकि वो जो रेस होती है उससे क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं बच्चों के? हर एक इसमें मोबाइल के तो दुष्परिणाम ज़्यादा ही है। बच्चे जैसे ही मोबाइल देखते हैं तो वैसे बच्चों का कंसंट्रेशन कम होता है, मोबाइल के रेस के कारण बच्चों में नुकसान होता है, बड़ों में होते उससे ज़्यादा नुकसान बच्चों में हो सकता है, उसके जो रेस है उसके वाइब्रेशन से उसके कारण बच्चों में नुकसान हो सकता है, तो ये चीज़ें देखना जरूरी है। बिल्कुल, ऐसे कुछ केसेस जो है आपने अभी हैंडल किए हैं मेडिकल में, ऐसे कुछ आपके पास केसेस आए हैं कि मोबाइल से बच्चों को आँखों पे हो या ब्रेन पे हो या पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं समस्याएं आई हो? इतना तो असेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन मोबाइल से जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ बच्चों को, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, और उसके कारण मोबाइल के कारण जो गेम यूज करना, उसके कारण फिर बच्चों का डिपेंडेंसी चालू होना, सुसाइड डेवलपमेंट होना, ऐसे केसेस मोबाइल के कारण आए। बिल्कुल, कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि खांसी जो वायरल, हमेशा हम कहते हैं खांसी सर्दी खांसी ये वायरल है, लेकिन कोविड के बाद जो खांसी बच्चों में देखी जा रही है वो कई दिनों तक ठीक नहीं होती है, इसके पीछे क्या करनी है? क्या ये कोविड का ही कोई वायरस है? अभी ये कोविड लाइक और इन्फ्लुएंजा फ्लू लाइक इलनेस से, ये सब कोरोना वायरसेस है, एक ही ग्रुप के वायरसेस है। कोविड एक अलग इन्फेक्शन था जिसमें ट्रांसमिशन बहुत फास्ट था, कुछ चीज़ों में उनकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते थे, डेथ रेट ज़्यादा था, इसलिए कोविड अपने सबके दिमाग में है। लेकिन कोरोना ग्रुप ऑफ वायरस में फ्लू है, फ्लू लाइक इलनेस है, ये सब वायरस वैसे ही है। तो ऐसे जो वायरस अपना जिंदा रहने के लिए अपना खुद का जो स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, वैसा ये वायरस है, वही ग्रुप का वायरस है, न्यू उसका चेंज। ऐसे इसमें खांसी ज़्यादा दिन रहती है, अस्थमा के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये सब न्यू वायरस है उस। बिल्कुल, तो अस्थमा के केसेस अभी आपने बताया कि ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मेडिकल में अभी तक कितने केसेस ऐसे आए हैं जो ज़्यादा क्रिटिकल हुए होंगे? हाँ, मेडिकल में अभी ऐसे केसेस, क्योंकि अभी ऐसे सीजन खास तौर पर बच्चों में जो कोरोना के कारण, कोरोना के बाद वहाँ मेडिकल की काफ़ी सुविधा और अच्छी हुई है, वेंटिलेटर अवेलेबल है, तो निमोनिया के केसेस ज़्यादा आए और निमोनिया के केसेस काफ़ी एडमिट है। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव, कभी धूप देखी जाती है, कभी बरसात तो कभी ठंडी, और अभी आने वाला जो सीज़न है वो गर्मी का सीज़न है, ठंडी से हम गर्मी की सीज़न में जाने वाले हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर सर्दी खांसी ये जो है वायरल हो रहा है, इससे बचने के लिए क्या संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? नहीं, अभी इसके बाद जो गर्मी आने की सीज़न शुरू हो जाएगा, तो गर्मी में गर्मी की बीमारियाँ ज़्यादा है, ऐसे इसमें सबको एक तो घर जो गर्म एनवायरनमेंट रहेगा, नागपुर में गर्मी ज़्यादा रहती है, तो जनरली सुबह 8:30 के बाद में रात 5 बजे तक इतनी गर्मी है कि उसके कारण गर्मी रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। तो हो सके तो बच्चे और बूढ़े लोग इन्होंने ये टाइम बाहर निकालना नहीं चाहिए, यदि निकालते हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रिकॉशन लेना जरूरी है, जैसे सॉइल कपड़े यूज करना चाहिए, सफ़ेद कपड़े कॉटन के कपड़े यूज़ करना चाहिए, तो पसीना बराबर अपना जो ठंडी मेंटेन करने का काम करता है वो बराबर होगा, कान ढकना चाहिए सफ़ेद कपड़े से, और हो सके तो साथ में पानी रहना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ पानी के साथ साथ
यदि पानी नमक शक्कर डाल के यदि ऐसा रखते हैं तो वो भी बच्चों के लिए बूढ़ों के लिए इवन यंग लोगों के लिए भी काम का, ये साथ में रहता है तो जो धूप से अपन सबको बचा सकते हैं। बिल्कुल, आने वाली गर्मी के लिए मेडिकल में किस तरह की मतलब योजनाएं या सुविधाएं बनाई जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं हीट वेव जो है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है और उससे बच्चे और बूढ़ों पे ज्यादा असर दिखाई देता है। हाँ, अभी से हमारे यहाँ शीत कक्ष की डेवलपमेंट शुरू है, हर साल रहता है। अभी अभी उसका मीटिंग हुआ है। शीत कक्ष यानी कोल्ड वार्ड कैसे रहना चाहिए, जैसा पेशेंट आता है तो वो है, और हर वार्ड के लिए कूलर और ये फैन की पर्याप्त सुविधा रहने के लिए भी अभी कोशिश शुरू है कि सबसे सब वार्ड में क्या नहीं है अभी देखना शुरू है, उसके हिसाब से काम और प्रस्तावित काम है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए यहाँ और हमारे स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी मेडिकल से जुड़ी हुई दी, जहाँ किस तरह से इलाज होता है, कितने क्रिटिकल पेशेंट यहाँ आए हैं और वो ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आज की खास मुलाकात में। वक्त हो चला यही रुकने का, आप देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।